हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज का जो हमारा ये क्लास है पीजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और उनके कोर्स का जो पेपर 12 है झारखंड स्टेट पॉलिटिक्स इन झारखंड, उसके अंतर्गत आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो है झारखंड आंदोलन और राज्य का गठन। मतलब राज्य के गठन से पूर्व जो झारखंड में आंदोलन हुए उसकी क्या पृष्ठभूमि थी और किस तरह से झारखंड राज्य का जो है वो गठन होता है, इसका इतिहास क्या है, इसके पीछे जो घटना चक्र थे वो सब क्या थे, उनका अध्ययन हम आज के क्लास में संक्षिप्त में करेंगे। तो झारखंड आंदोलन जो है वो भारत में सबसे दीर्घकालीन अहिंसात्मक आंदोलन है और जनजातीय असंतोष, भूमि अलगाव, दिकुओं के द्वारा स्थानीय लोगों पर अत्याचार एवं शोषण, सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों का अभाव, वनोत्पन्न से जनजातियों के अधिकारों की को वंचित करना और विस्थापन आदि जो समस्या थी, इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए झारखंड आंदोलन के लिए जो है वह एक पृष्ठभूमि तैयार करती है। और 20वीं सदी के प्रारंभ में एक पृथक राज्य के गठन के लिए झारखंड आंदोलन की शुरुआत होती है और संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से के शिक्षित एक छात्र जे बेर्थोलोमेन जो थे के प्रयास से झारखंड आंदोलन का जो है वो प्रारंभ होता है। और इनके एंग्लिकन जो मिशनरीज के सहयोग से 1910 में रांची में ढाका छात्र संघ का गठन होता है कि एक शाखा का स्थापित की जाती है और जिसके निरीक्षण का दायित्व पीटर हावर्ड को दिया जाता है। और बार्थेलमन जो थे, जो जे बार्थेलम जो थे, को झारखंड आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। और ढाका छात्र संघ का मुख्य जो उद्देश्य था उस समय, इसको क्यों गठित किया गया था, तो इसका उद्देश्य था कि निर्धन जनजातीय जो छात्रों की समस्याओं का एक समाधान करने के लिए किया गया था। और यह मूलतः ईसाइयों की एक संस्था थी और धार्मिक उद्देश्य के अलावा छात्रों में वाद विवाद का यह एक मंच जो था वो था। बाद में पीटर हावर्ड ने ढाका छात्र संघ की रांची में भी एक शाखा के संचालन में अहम भूमिका निभाई। और बार्थेलमन जो थे और हावर्ड के नेतृत्व में, इन दोनों व्यक्तियों के नेतृत्व में ढाका छात्र संघ जनजातीय छात्रों के लिए बेहतर शैक्षणिक जो है सुविधा और नौकरियों के अवसर को गतिशील बनाने में सफल रहा। और 1915 में ढाका छात्र संघ का छोटा नागपुर उन्नति समाज के रूप में पुनर्गठन किया गया। जो ढाका छात्र संघ था उसका जो फिर से उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज जो था उसमें जो है इसको पुनर्गठन किया गया। और उसके में जो एक व्यक्ति थे ज्वेल लकड़ा एक व्यक्ति थे ने छोटा नागपुर उन्नति समाज जो 1915 में इस समाज की स्थापना की गई, जिन्हें एंग्लिक बिशप ऑफ रांची के सहयोग से मिला। और छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था झारखंड की जनजातीय विकास, जनजातियों का विकास एवं सरकारी नौकरियों में विधायिका में जनजातियों के लिए व्यवस्था करना था। और 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज का एक प्रतिनिधि मंडल साइमन कमीशन से मिला। 1928 में जो साइमन कमीशन आई थी संवैधानिक विकास को लेकर, उसने भारत का पूरा भ्रमण किया था
तो इन्होंने अलग राज्य के मांग के से संबंधित या यहाँ की समस्या से संबंधित जो साइमन कमीशन आया था उससे मिला था, और आयोग से मिलकर उन्हें पहली बार झारखंड क्षेत्र के लिए पृथक राज्य की के गठन की मांग की थी, राज्य के गठन की मांग की थी। और जनजातीय जो समाज में सामाजिक सुधार जो एजेंडा था जो के माध्यम से ज्वेल लकड़ा और जो है ठेबले उमराव और बंदी उमराव, पॉल दयाल, आनंद मसी टोपनो जैसे जो शिक्षित जो उस समय के जनजातीय नेताओं ने छोटानागपुर उन्नति समाज का नेतृत्व किया, और छोटानागपुर उन्नति समाज के कुछ नेताओं जैसे ढेबल उमराव और पाल दयाल ने इस संगठन की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर 1931 में किसान सभा की स्थापना की, और पश्चात में इसके बाद जो है पश्चात आर्क बिशप ऑफ छोटानागपुर के सहयोग से जो है बेनिफेशर लकड़ा और इग्नेसिस बेक ने छोटानागपुर कैथोलिक समाज की स्थापना की, और जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास करना था। इसके अलावा छोटानागपुर कैथोलिक सभा ने यहाँ की राजनीतिक प्रणाली में भी बहुत ही सहभागिता निभाई थी। जो बेक थे और बेनिसेफ दोनों ने 1937 के चुनाव में जीत दर्ज की थी, और एग्नेस बेक ने अन्य राजनीतिक संगठनों को अपने साथ मिलाकर व्यापक स्तर पर जनजातीय मंच के का गठन का प्रयास किया, और जनजातीय समस्याओं का समाधान और जनजातियों के बीच एकजुटता के उद्देश्य से 1938 में बेक ने आदिवासी महासभा ने जनजातियों के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सुधार और झारखंड पृथक राज्य के उद्देश्य के लिए दीकू राज्य के विरुद्ध संघर्ष की नीति अपनाई, और इस तरह से इन लोगों ने एक बहुत ही महान एक और व्यक्तित्व थे जयपाल सिंह मुंडा, जो आदिवासी महासभा में शामिल हुए 38-39 में, और उन्होंने और उनको इनका अध्यक्ष बनाया गया, और उन्होंने नारा दिया कि हम झारखंड लेकर रहेंगे, झारखंड आदिवासियों की भूमि और गैर आदिवासियों को जो है वो झारखंड छोड़ना ही पड़ेगा। इस तरह का नारा उन्होंने लगाया, और आदिवासी महासभा ने पृथक राज्य और आदिवासियों के लिए शैक्षणिक संस्था एवं नौकरी में आरक्षण की मांग की, और 1949 में तक आदिवासी महासभा की सदस्यता सिर्फ आदिवासियों तक ही सीमित थी, लेकिन बाद में इसका सामाजिक आधार पर इसको व्यापक और भी बनाया गया। और जस्टिन रिचर्ड्स ने इस बात पर बल दिया कि अगर झारखंड पृथक राज्य की मांग अगर कर रहा है तो वास्तविकता में अगर लाना है पृथक राज्य के मांग को तो इस आंदोलन में का सामाजिक आधार को बढ़ाना होगा, और इसमें झारखंड क्षेत्र के गैर जो जनजातीय जो लोग थे उनको भी शामिल करना होगा। और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आदिवासी महासभा ने 1949 से 50 के बीच जमशेदपुर सत्र में आदिवासी महासभा का नाम बदलकर इसका नाम झारखंड पार्टी कर दिया गया, और इसकी सदस्यता गैर आदिवासी के लिए भी खोल दी गई। और 1950 में जब झारखंड पार्टी के एक पूर्व राजनीतिक दल के रूप में इसकी पूर्ण राजनीतिक दल के रूप में इसकी स्थापना हुई, और जयपाल सिंह मुंडा झारखंड पार्टी के अध्यक्ष और एग्नेस बेक सचिव इसके बनाए गए, और झारखंड पार्टी को इस क्षेत्र के सभी वर्गों के लोगों का समर्थन मिला, और इसका चुनाव जो था चिंता मुर्गा छाप था, जो जनजातियों की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ था,
और झारखंड पार्टी के ने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आधार पर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक नए राज्य की मांग की। और झारखंड पार्टी का यह तर्क था कि इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है वो शेष बिहार से भाषाई, सांस्कृतिक और निर्जातीय जो दृष्टि से पूरी तरह से भिन्न है, इसलिए इसको एक अलग स्टेट बनाना चाहिए। लेकिन उनकी जो 1950 के दशक में जो उनकी यह मांग थी, उस मांग को माना नहीं गया और झारखंड पृथक राज्य का, राज्य के इस क्षेत्र की जो है समस्याओं को ध्यान के समाधान को एकमात्र उपाय जो है वो बताया गया। और झारखंड पार्टी ने झारखंड अलगाव डाकू दीकू सेनाओं का नारा दिया, जिसका अर्थ होता था कि झारखंड हमारा है और जिसका हमारा है और सभी शोषकों एवं बाहरियों को झारखंड छोड़ना पड़ेगा होगा। और 1952 में विधानसभा का चुनाव हुआ और इस क्षेत्र में के जनजाति एवं गैर जनजाति के समर्थन में झारखंड पार्टी ने विधानसभा की 32 सीटें जो है वो जीत ली। उस समय कंबाइंड बिहार हुआ करता था और यह विपक्षी दल जो है 1950 के दशक में झारखंड आंदोलन जो था अपने शीर्ष पर था। और 1955 में रांची और दुमका में राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष व्यापक प्रदर्शन किया गया और झारखंड पार्टी ने बिहार के 7 जिले, पश्चिम बंगाल के 3 जिले और ओडिशा के 4 जिले और मध्य प्रदेश के 2 जिले को, अर्थात 16 जिलों को मिलाकर एक झारखंड राज्य के गठन की मांग जो है जयपाल सिंह मुंडा ने के माध्यम से राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखी गई। और राज्य पुनर्गठन आयोग में भाषा को आधार बनाते हुए इस निर्जातीय पहचान की उपेक्षा करते हुए झारखंड राज्य के मांग को अस्वीकार कर दिया गया पहले। और फिर आयोग का यह तर्क था कि इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां एवं गैर जनजातीय भाषाएं हैं और यह एक भाषाई क्षेत्र नहीं हो सकता है, अतः भाषा के आधार पर राज्य का गठन जो है वो संभव नहीं है, ये तर्क उस समय दिया गया। और 1950 के दशक के अंत में और 1960 के दशक के प्रारंभ में जो प्रारंभ होता है उसमें झारखंड पार्टी जो का जो प्रभाव है वो घटने लगा। और इसका मुख्य कारण जो था वो जनजाति आबादी का ईसाई एवं गैर ईसाई आधार पर जो विभाजन था और झारखंड पार्टी के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष अपनी बातों को सही ढंग से नहीं रखे जाने के कारण जो है ये जो अलग राज्य का की जो मांग थी उस समय पूरी नहीं हो पाई। और अब क्या था कि अब झारखंड क्षेत्र जो ये क्षेत्र था, इस क्षेत्र में कांग्रेस, जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी जैसे राष्ट्रीय दल सक्रिय होने लगे थे और बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा जो थे उनके प्रयास से 1963 में झारखंड पार्टी का कांग्रेस में क्या होता है, विलय हो जाता है। और इस विलय से झारखंड के अनेक नेता जो है वो बहुत नाखुश होते हैं और एनी होरो ने विलय जो विलय हुआ उसका तीव्र विरोध किया। एक अफवाह तो ये भी उठी कि कांग्रेस पार्टी ने जयपाल सिंह मुंडा को खरीद लिया है और विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह मुंडा सामुदायिक विकास एवं ग्राम पंचायत मंत्री बनाए गए थे, तो इसलिए सभी नाखुश थे। जो कांग्रेस के साथ इसका जो विलय हुआ तो इसमें जो भी छोटी छोटी पार्टियां जो झारखंड पार्टी से जुड़ी हुई थी वो काफ़ी नाखुश थे और ये जो है वो धीरे धीरे जो है वो टूटने लगी, बिखरने लगी। और 1963 और 68 के दौरान झारखंड जो आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए अनेक दलों का गठन हुआ और इसमें जो वागुन सुमरई जो एक नाम है के द्वारा जो बहुत बड़े एक उस समय के राजनीतिज्ञ थे, तो बागुन सुमरई के द्वारा स्थापित अखिल भारतीय झारखंड पार्टी और बिरसा सेवा दल सबसे प्रमुख था। बिरसा सेवा दल ने बिरसा सेवा दल ने जनजातियों के उत्थान
एवं एकीकरण का प्रयास किया और 1969 में बिहार में गठबंधन सरकार की स्थापना हुई, जिसमें झारखंड के विभिन्न छोटे छोटे दल शामिल हुए और गठबंधन सरकार में कुछ दिनों के लिए एनी होरो जो थे वो शिक्षा मंत्री के रूप में उनको स्थान मिला। और झारखंड पार्टी की असफलता और कांग्रेस में विलय के कारण 1970 के दशक में झारखंड में अनेक महत्वपूर्ण नेताओं का उदय हुआ, जिनमें विनोद बिहारी मेहता महतो ने शिवाजी पार्टी जो शिवाजी समाज की संगठन की स्थापना कर कुर्मियों के सामाजिक सुधार में प्रयासरत थे। शिबू सोरेन संथाल समाज में सामाजिक सुधार के लिए आंदोलनरत थे और इन दोनों के नेतृत्व में 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई, जिसने पृथक राज आंदोलन को एक नई दिशा दी। इसके बाद जो है जो एके रॉय ने के नेतृत्व में मार्क्सवादी समन्वय समिति ने जेएमएम का समर्थन मिला और इस गठबंधन का नेतृत्व जेएमएम को सौंपा गया और झारखंड लाल खंड का नारा दिया गया और जेएमएम और मार्क्सवादी समिति के इस गठबंधन को झारखंड के जनजातीय और जातीय जो लोग थे लोगों का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ और गठबंधन का मुख्य उद्देश्य झारखंड पृथक राज्य का गठन के लिए सभी झारखंडियों को एकजुट करना था। और 1970 के दशक में जो आपातकाल के दौरान जब आपातकाल लगा था, इमरजेंसी पावर लगी थी, तो उसके दौरान निवारक निरोध कानून के तहत शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो को सहित अनेक झारखंड के अनेक नेताओं की गिरफ्तारी की गई और 1976 से 77 तक में झारखंड की विभिन्न दलों ने आपस में मिलकर एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया और यह घोषणा की कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और बाद में यह गठबंधन जो था वो टूट गया और जेएमएम भी जो है दो धड़ों में विभक्त हो गया, जेएमएम सोरेन और जेएमएम मार्डी और में बट गया। और इस बीच झारखंड पार्टी का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका था और इस पार्टी से 1984 के चुनाव में इस पार्टी ने सिर्फ जो एक होरो थे यानी होरो उन्होंने ही चुनाव जीता, बाकी इसका कोई भी खास प्रदर्शन जो है चुनाव में नहीं रहा, आम चुनाव में नहीं रहा। और शिबू सोरेन इस क्षेत्र में जननायक के रूप में उभरे और जेएमएम ने कांग्रेस आई के साथ निकट का संबंध बनाए रखा और 1984 के आम चुनाव में कांग्रेस ने झारखंड की लोकसभा की सभी सीटें जीती और झारखंड के दलों का जो निराशाजनक प्रदर्शन रहा, फलस्वरूप झारखंड के नेताओं ने 1987 में झारखंड समन्वय समिति का गठन किया और इस समन्वय समिति ने जो जेएमएम सोरेन और जेएमएम मार्डी सहित झारखंड के 62 सांस्कृतिक और राजनीतिक जो संगठन थे उन संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया और इसका उद्देश्य जो था झारखंड पृथक राज्य के गठन के लिए सामूहिक आंदोलन को प्रोत्साहित करना था। इसके पूर्व 1986 में जमशेदपुर में सूरज सिंह बेशरा के नेतृत्व में आजसू पार्टी का गठन हो चुका था। आजसू ने पृथक राज्य की गठन के लिए आक्रामक तेवर अपनाते हुए आर्थिक नाकेबंदी की विधि अपनाई और इस क्षेत्र में से खनन एवं परिवहन को पर रोक लगा दी गई ताकि पृथक राज्य के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डाला जा सके। और आजसू ने पहले विरोध एवं मांग बाद में के सिद्धांत के विश्वास जो सिद्धांत था, पहले विरोध फिर मांग का जो सिद्धांत था उसमें विश्वास किया और परिणाम स्वरूप आजसू ने झारखंड समन्वय पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया और झारखंड समन्वय जो समिति के जो संयोजक थे बीपी हो रही थे, समन्वय समिति ने जो है वो
खुद को अपने आप से अलग होने के बाद आंदोलन जो है इन आजू के अलग होने के बाद ये जो आंदोलन थोड़ा सा कमजोर हो गया और 1990 के बिहार विधानसभा के चुनाव में 19 सीटें जीतकर जेएमएम सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली दल बन गया और जो सबसे शक्तिशाली दल के रूप में हुआ और बिहार में लालू प्रसाद यादव की नेतृत्व में गठबंधन की जनता दल की सरकार बनी जिसे जेएमएम और बीजेपी का समर्थन था। लालू प्रसाद यादव बिहार विभाजन के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने घोषणा की कि झारखंड हमारी लाश पर ही बनेगा। लेकिन दिलचस्प यह है कि लालू यादव के गठबंधन सरकार में जेएमएम का समर्थन था और 1995 में लालू यादव पुनः सत्ता में आए और 9 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद जो झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल था जैक जेएसीसी जो जैक था ऑटोनोमस काउंसिल का गठन किया गया। लेकिन इसे सत्ता का हस्तांतरण नहीं किया गया और जैक झारखंड के लोगों के आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रहा और झारखंड के लोग जो थे वो क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग कर रहे थे और उन्हें जैक के नाम पर सिर्फ एक क्षेत्रीय विकास परिषद मिला और 1991 में पहली बार बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए सिर्फ बिहार के लिए बिहार के 16 जिलों को मिलाकर वनांचल राज्य के गठन का जो है प्रस्ताव पारित किया और 1997 में बिहार की राजनीतिक स्थिति बदल गई और लालू यादव को चारा घोटाला में जेल जाना पड़ा और जनता दल में का जो है वो विघटन हो गया और लालू यादव ने एक नया दल आरजेडी का गठन किया कर लिया और सत्ता में बने रहने के लिए जेएमएम के विधायकों का समर्थन लिया और इसके बदले में 23 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा से झारखंड पृथक राज्य के गठन का प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ और 1998 में केंद्र सरकार में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठबंधन हुआ और इसमें बिहार के 18 जिलों को मिलाकर वनांचल राज्य के गठन हेतु राबड़ी देवी की स्वीकृति के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक का प्रस्ताव दिया गया और कुछ समय पश्चात राबड़ी देवी की सरकार अल्पमत में आ गई और कांग्रेस से समर्थन की मांग की गई और बदले में कांग्रेस ने झारखंड पृथक राज्य की गठन की स्वीकृति देने की मांग रखी और कांग्रेस के दबाव में आकर 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में बिहार पुनर्गठन विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई और एनडीए ने अपनी चुनावी वादे को निभाते हुए बिहार पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में पारित किया उसको लोकसभा में 2 अगस्त 2000 को पारित किया और 11 अगस्त 2000 को जो है राज्यसभा में यह पारित कर दिया गया और 25 अगस्त 2000 को यह राष्ट्रपति की स्वीकृति भी इसको इस विधेयक बिल को मिल गई और इस तरह से भगवान बिरसा के पवित्र जन्मदिन के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड देश का 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो ये थी झारखंड राज्य गठन की कहानी। आई होप आपको समझ में आई हो और आपको पता चला हो कि कितने सारे आंदोलन, कितने लोगों का समर्पण, कितने लोगों का त्याग, कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन, कितनी पार्टियों का गठन, सबको संगठित किया गया और इस तरह से जो झारखंड राज्य का जो की जो अलग मांग का जो प्रस्ताव था, कितने ज़्यादा संघर्षों और प्रयासों के बाद जो यह विधेयक पारित हुआ और 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड एक देश का 28वां राज्य के रूप में इसका गठन होता है। तो ये था झारखंड राज्य गठन से संबंधित जो महत्वपूर्ण कुछ जो बात थे, जो कुछ परिस्थितियां थीं, जो कुछ उस समय का समय था, उसके आधार पर मैंने आपको यह बताने और समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है वो झारखंड राज्य का जो है वो गठन होता है और उसमें कौन कौन सी परिस्थितियाँ कारगर साबित होती हैं और एक नए राज्य के रूप में आदिवासियों के लिए, उनके समाज के, उनके हितों की रक्षा के लिए को ध्यान में रखते हुए और जो है एक नए राज्य के रूप में झारखंड राज्य का जो है वो 28वें राज्य के रूप में
गठन होता है। तो ये था झारखंड राज्य गठन की कहानी। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न डाल सकते हैं। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ हम फिर बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।